नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया भौरियाल। प्रदेश में खास तौर में नैनीताल में पर्यटन सीजन को देखते हुए हल्द्वानी पुलिस ने जहां रूट डायवर्जन का कार्य शुरू कर दिया है, तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात के कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिले में क्राइम और ट्रैफिक देख रहे एसपी देवेंद्र पिंचा का कहना है कि नैनीताल में पर्यटन को देखते हुए रूसी बाईपास से यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो लोग कालाडूंगी से आ रहे हैं, उन्हें उस छोर पर रूसी बाईपास पर रोककर शहर के लिए कैब से भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले बाइकर्स को भी रूसी बाईपास पर रोककर नैनीताल के लिए भेजा जा रहा है। पर्यटन सीजन को देखते हुए जहां हल्द्वानी में जाम लग रहा है, तो वहीं हल्द्वानी की कालाडूंगी रोड, रामपुर रोड और बरेरी रोड से आने वाले पर्यटकों को बाईपास के द्वारा सीधे काठगोदाम की ओर पुलिस रवाना कर रही है। एसपी देवेंद्र पिंचा का कहना है कि पुलिस ने पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों की सहूलियत के लिए नैनीताल में कई जगहों पर स्थायी और अस्थायी पार्किंग की भी व्यवस्था की है। देखिए, नैनीताल की सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ की पार्किंग। वहाँ पर पार्किंग काफ़ी लिमिटेड है, लगभग 1800 से 2000 गाड़ियों की पार्किंग है, जबकि गाड़ियाँ वहाँ करीब करीब पर डे 2 से 3 हज़ार आती है। जो रुकती है तो कुल मिला के 6-7 हज़ार गाड़ियाँ हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने रूसी बाईपास पे और नारायण नगर में बड़ी पार्किंग डेवलप की है, और जो भी गाड़ियाँ, जब हमारी नैनीताल सिटी की पार्किंग 75% फुल हो जाएगी, तो हम अधिकतर गाड़ियाँ 75-80% फुल होते वहीं रोकना शुरू करके वहीं पार्क करवाएंगे, और दूसरे जो बाइकर्स आएंगे जो घूमने के लिए, उनको 100% हम वहीं पार्क करा के शटल के माध्यम से, शटल सेवा हमने वहाँ चालू कर रखी है, उसके माध्यम से नैनीताल भ्रमण के लिए भेजेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।